12 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग 1:35 हो रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी नाइट ड्यूटी अंजाम देते हुए यहाँ पे मोटरसाइकिल के ऊपर पेट्रोलिंग किया हूँ और यहाँ पे ये मालूम हुआ कि हर एक गली में नौजवान बच्चे बिना आराम किए चबूतरों पे बैठे हुए हैं और इससे पहले भी जो है कई किस्म के कंप्लेंट्स आ चुके हैं यहाँ पर के नौजवान बच्चों की वजह वो बैठने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स मुब्तला हो रहे हैं वो लोग और उनके वजह से जो है दूसरों को आम बाशिंदों को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा। तो यहाँ पर मूवमेंट करके देखे, सभी लोगों को समझाए, काउंसलिंग किए हैं कि गैर ज़रूरी बाहर नहीं फिरना है और अपना वक्त ख़राब नहीं करना है और ख़ास करके ये COVID-19 के पैंडमिक के दौरान अपना ख़ास ख्याल रखें और अपनी अपना ही ना हो के दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। और बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस क्लियर है कि मास्क का इस्तेमाल करें और किसी को भी जो है कोविड और कोई भी जो है कोविड के गाइडलाइंस जो हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी सेहत को ठीक तरह से देख लें। सर, जो आए दिन देखने में आ रहा है कि यंगस्टर जो है शराब नोशी, गांजा नोशी कर जो है गैर ज़रूरी पेट्रोलिंग कर रहे हैं एरियो में, तो उनके लिए कुछ मैसेज आपके लिए? नहीं, मैं नौजवान तबक़ात को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपना जो वक्त है उसको गैर ज़रूरी कामों के अंदर, गैर ज़रूरी आदतों के अंदर मुब्तला ना करते हुए कोई अच्छा काम करें, या तो पढ़ लें, या तो इबादत करें, या फिर कोई दूसरा काम करें। दिन में सो रहे हैं आप 2 बजे तक, दिन में दोपहर के 2 बजे तक सो रहे हैं और रात में जो है सुबह 4 बजे तक आप जागे हुए हैं, तो कोई उससे कोई फ़ायदा है ना हासिल है, ना खुद के होते ना किसी और के होते। एक शादी नहीं हुई बोले तो माँ बाप परेशान, शादी हो गई बोले तो बीवी परेशान, वो सारी परेशानी लेके आके फिर से वो हमारे पास ही आना पड़ता, पुलिस स्टेशन के पास ही, साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, बल्कि पुलिस स्टेशन के पास ही आना पड़ता। तो मैं सभी नौजवान से ये दरख्वास्त करूँगा कि गैर ज़रूरी के अपना वक्त, कीमती वक्त को ज़ाया ना करें और एक टाइम टेबल के हिसाब से अपना एक निज़ाम बना लें जिसकी वजह से अपना सेहत और काम, अमल रोज़ी जिसको बोलते हैं, अमल रोज़ी, रोटी रोज़ी अलग होती, अमल रोज़ी अलग होती, तो अमल करते हुए, अच्छे कामों पे अमल करते हुए, कीमती वक्त ज़ाया ना करते हुए, पुलिस को गैर ज़रूरी के ना सताते हुए, आम बाशिंदों को ना सताते हुए, अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको ठीक तरह से अमल करें, ताकि दुआओं में रहें, अपने वालिदैन के, अपने घर वालों के, अपने आसपास के लोगों के, सबके दुआओं में रहें, तो खुद ब खुद ठीक रहेगा, सेहत के लिए भी ठीक रहेगा और समाज के लिए भी ठीक रहेगा। सर, ये विदाउट मास्क के जो फिर रहे हैं बाहर, तो उनके लिए आप लोग चालान कर रहे हैं क्या सर, नाइट में भी, या फिर जो है लोग को क्या? नहीं, वो चालान तो कंपलसरी है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैज़ गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू बुक केसेस ऑन द वायलेटर्स ऑफ यू नो COVID-19 गाइडलाइंस। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, वो एक्ट के तहत कानून है, कानून के तहत उसका एक्शन लिया जाएगा, ज़रूरी है। पहले तो हम सबको जो है काउंसलिंग कर रहे हैं कि भाई आप मास्क के बगैर ना रहें, बल्कि काउंसलिंग तो कर रहे हैं, बट अगर नहीं सुनने की सूरत में कंपलसरी उसको लगाना पड़ता, केसेस लगाना पड़ता।